नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। घर में गरीबी और दरिद्रता आने के क्या हैं कारण, और एक छोटे से उपाय से फिर कभी नहीं आएगी गरीबी। हर मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इसके लिए वो पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य करता है। इसके बावजूद कुछ लोग जीवन भर दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। भरपूर मेहनत के बाद भी वो अमीर बनने के सपने देखते रह जाते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जो मनुष्य को अज्ञानता के कारण समझ नहीं आते। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसके करने से घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है और मनुष्य अपनी किस्मत को कोसता है। अगर आप भी गरीबी से परेशान हैं, घर में पैसा संचय नहीं कर पा रहे हैं, आमदनी हो रही है पर खर्चे भी ज्यादा हैं, घर में गंदगी, बदबू और सीलन, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में गरीबी को लाती हैं। टूटा हुआ सामान उपयोग करना, 40 दिन से ज्यादा बाल रखना, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, शमशान भूमि में हंसना, ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहे, कभी खुश ना रहे, और सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से घर में गरीबी आती है। दोस्तों, अगर घर में कोई वस्तु टूट जाए तो उसे रख दिया जाता है कि जब समय होगा ठीक करवा लेंगे, लेकिन वो टूटी हुई चीज घर का हिस्सा बन जाती है, जिससे ना सिर्फ घर में नकारात्मकता फैलती है बल्कि धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर आप भी ऐसा रवैया अपना रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसे ही कई वास्तु दोष हैं जो हमारे घर में गरीबी लाते हैं। घर के बीच आंगन में लगा तुलसी का पौधा शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर में मुसीबत और दरिद्रता आती है। आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत काटकर उनकी छटाई कर दें। घर में लगे पेड़ पौधा हमेशा हरे भरे होने चाहिए। पेड़ पौधों की पत्तियां सूख जाएं तो इसका मतलब है कि बुध ग्रह खराब है, इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पौधों को रोजाना पानी जरूरत होने पर ही दें। इसके अलावा झाड़ू पर पैर लगाने से लक्ष्मी का अनादर होता है। अगर भूलवश झाड़ू को पैर लग जाए तो लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर लें, क्षमा मांग लें। घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना हो तब उसे नजरों के सामने से हटाकर रखना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे आर्थिक परेशानी आती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पुरानी झाड़ू घर में ना रखें। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पर ना रखें, ऐसा करना अशुभ होता है। कहा जाता है कि घर में चोरी की वारदात होने का भय रहता है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, जिससे वो घर के बाहर के लोगों को दिखाई ना दे। जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती, उन घरों के सदस्य को कई तरह की आर्थिक परेशानियां रहती हैं। घर को पूरी तरह साफ रखने पर जोर इसलिए दिया जाता है ताकि घर में दरिद्रता ना आए और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। घर से दरिद्रता रूपी कचरे को दूर करके लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आपको घर को साफ रखना चाहिए। रोजाना घर की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी हमें धन धान्य और सुख संपत्ति देती हैं। जब कुंडली में तीनों शुभ कारक लग्नेश, पंचमेश और नवमेश बहुत पीड़ित या कमजोर स्थिति में हो, तब धन भाव होता है। काल सर्प योग बन रहा हो या फिर और ग्रहों की स्थिति भी कमजोर हो, जब सूर्य और चंद्रमा परम नीच में हो, पाप ग्रहों का धन भाव में नीच राशि में बैठने से दरिद्रता उत्पन्न होती है। आप अगर अपने रूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। ऐसा करना आपके घर में लक्ष्मी को नाराज करता है और वो दरवाजे से ही लौट जाती हैं।
दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो शुक्रवार की रात तकरीबन 9 बजे से 10 बजे के बीच गुलाबी कपड़े पहने और गुलाबी आसन का प्रयोग करें। गुलाबी कपड़े पर श्रीयंत्र और अष्ट लक्ष्मी का चित्र रखें। थाली में गाय का घी से 8 दीपक जलाएं। गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, लाल फूलों की माला चढ़ाएं, मावे की बर्फी का भोग लगाएं। अष्टगंध से श्रीयंत्र और अष्ट लक्ष्मी के चित्र पर तिलक करें। कमल गट्टे को हाथ में लेकर मंत्र का जाप करें। मंत्र है एम ह्रीम श्रीम अष्ट लक्ष्मये ह्रीम सिद्धये मम गृहे आगच्छ गच्छ नमः स्वाहा। जाप पूरा होने के बाद 8 दीपक घर की 8 दिशाओं में रख दें और कमल गट्टे को घर की तिजोरी में स्थापित कर दें। इस उपाय से जीवन के 8 वर्गों में सफलता प्राप्त होती है।